हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं घर में यूज होने वाले छोटे बड़े अंग्रेजी वाक्य तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं पहला सेंटेंस है उठ जाओ सुबह हो गई है या फिर जाग जाओ सुबह हो गई है वेक अप इट्स मॉर्निंग अप यानी कि नींद से उठने के लिए यूज करते हैं वेकअप सुबह हो गई है यानी कि सुबह है इट्स मॉर्निंग वेक अप मॉर्निंग सुबह हो गई है उठ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस है बेड से नीचे उतरो या फिर बेड से नीचे आ जाओ या फिर बिस्तर से बाहर आ जाओ गेट आउट ऑफ बेड गेट आउट ऑफ बेड नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा ब्रश कर लो या अपने दांतों को साफ कर लो ब्रश योर तीथ यानी कि अपने दांतों को ब्रश कर लो ब्रश योर तीथ जिसे सुबह सुबह मम्मी वगैरह कहती हैं ब्रश कर लो ब्रश योर तीत नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा कुल्ला कर लो रिंस योर माउथ मतलब कुल्ला करने के लिए कहते हैं रिंस योर माउथ मतलब अपने मुंह का कुल्ला कर लो रिंस योर माउथ अपना मुंह लो वॉश योर माउथ वॉश योर माउथ अपना मुंह लो ऐसे ही आप एक सेंटेंस बनाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हाथ धो लो अगला सेंटेंस देखिएगा जल्दी तैयार हो जाओ गेट रेडी सून गेट रेडी सून जल्दी तैयार हो जाओ गेट रेडी मीन्स तैयार होना सोन मीन्स जल्दी गेट रेडी सोन जल्दी तैयार हो जाओ अगला सेंटेंस देखिएगा मेरे लिए नाश्ता बना दो इसके लिए आएगी मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी मेरे लिए नाश्ता बना दो या फिर नाश्ता तैयार कर दो मेक ब्रेकफास्ट फॉर मी मुझे जल्दी जाना है आई हैव टू गो सून आई हैव टू गो सून मुझे जल्दी जाना है या मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है आई हैव टू गो सून नाश्ता तैयार है जब नाश्ता तैयार हो जाता है तो मम्मी वगैरह बोलती है ना नाश्ता तैयार है तो इसके लिए कहेंगे ब्रेकफास्ट इज़ रेडी ब्रेकफास्ट इज रेडी नाश्ता तैयार है या फिर ब्रेकफास्ट रेडी है इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे ब्रेकफास्ट होता है देखिएगा। आ आ जाओ जाओ नाश्ता नाश्ता कर कर लो। come breakfast. Come breakfast. कर लो या फिर कम ईट ब्रेकफास्ट या कम टेक ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करने या फिर खाने के लिए हम हैव ईट और टेक तीनों का यूज़ कर सकते हैं आ जाओ नाश्ता कर लो कम है ब्रेकफास्ट अगला सेंटेंस देखिएगा ठीक है मैं अब ऑफिस जाता हूँ ओके नाउ आई गो टू तो ऑफिस ओके नाउ आई गो टू तो ऑफिस ठीक है मैं अब ऑफिस जाता हूँ आज मुझे बहुत काम है टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे आई हैव लॉट ऑफ वर्क आज मुझे बहुत काम है अगला सेंटेंस देखिएगा जरा रुको होल्ड ऑन या फिर ये भी कह सकते हैं जस्ट वेट जरा रुको होल्ड ऑन या जस्ट वेट मुझे देर मत करो या फिर मुझे देरी मत करो यानी कि कोई इंसान कहता है ना कि मुझे लेट हो रहा है अब तुम तो मुझे देरी मत करो तो वहां पर ये बोलेंगे डोंट मेक मी लेट मुझे देरी मत करो या मुझे लेट मत करो डोंट मेक मी लेट अगला सेंटेंस देखिएगा नल किसने खुला छोड़ दिया जैसे कि घर में नल कोई खुला छोड़ देता है तो वहां पर ये सेंटेंस बोलते हैं ना नल किसने खुला छोड़ दिया पानी बह रहा है यानी नल किसने खुला छोड़ दिया उसके लिए कहेंगे हु लेफ्ट द टैप ओपन नल यानी कि जो घर में यूज होता है उसको टैप बोलते हैं लेफ्ट द टैप ओपन नल किसने खुला छोड़ दिया यह जरूर तुम्हारा ही काम होगा दिस मस्ट बी योर वर्क दिस मस्ट बी योर वर्क यह जरूर तुम्हारा ही काम होगा यह तुमने ही किया होगा दिस मस्ट बी योर वर्क तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हाउ कैन यू डू दिस हाउ कैन यू डू दिस तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम क्या ढूंढ रहे हो वॉट आर यू लुकिंग फोर लुक फोर मीन्स होता है किसी चीज को ढूंढना या फिर सर्च करना तुम क्या ढूंढ रहे हो या तलाश कर रहे हो वॉट आर यू लुकिंग फोर वॉट आर यू लुकिंग फोर घर में अक्सर ये सेंटेंस बहुत ज्यादा बोला जाता है जिसे हम किसी चीज को ढूंढते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो वॉट आर यू लुकिंग फोर कट मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है आई कांट फाइंड माई मोबाइल आई कांट फाइंड माई मोबाइल मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है इसके लिए यही सेंटेंस यूज़ करेंगे जैसे कि चार्जर नहीं मिलता है तो आई कांट फाइंड माई चार्जर या फिर मेरी पेंसिल नहीं मिल रही है आई कांट फाइंड माई पेंसिल ऐसे ही आप एक सेंटेंस कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे मेरा पेन नहीं मिल रहा है यह गिलास जूठा है या फिर यह गिलास किसी का यूज किया हुआ है या झूठी है इसके लिए कहेंगे दिस इज आ यूज ग्लास दिस इज आ यूज ग्लास यानी कि यह जो गिलास है यूज हो चुका है यानी कि झूठा है अब इसमें पानी मत पियो यह गिलास झूठा है दिस इज आ यूज ग्लास अगला सेंटेंस देखिएगा अपना तोलिया बाहर टांग दें या फिर अपना तोलिया बाहर लटका दो या फिर टांग दो हैंग आउट योर टावल आउट साइड हैंग आउट योर टावल आउट साइड मतलब हैंग आउट मीन्स होता है लटका देना यानी टांग देना योर टावल आपका तोलिया आउट साइड बाहर गीला तोलिया बिस्तर पर मत रखो डू नोट पुट वेट टावल ऑन द बेड डू नोट पुट वेट टावल ऑन द बेड यानी कि वेट मीन्स होता है गीला गीले टावल को बेड के ऊपर मत रखो लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो जैसे घर में लोग सजेशन देते रहते हैं एक दूसरे को कि लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो ठंडा आदि में पुट ऑन अ ड्रेस विद अ लॉन्ग स्लीव्स पुट ऑन अ ड्रेस विद अ लॉन्ग स्लीव्स मतलब लंबी आस्तीन वाली ड्रेस पहनो वह घर का काम काज कर रही थी शी वॉज डूइंग हाउस होल्ड चोर्स शी वॉज डूइंग हाउस होल्ड चोर्स हाउस होल्ड चोर्स मीन्स होता है घर का कामकाज। अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो जैसे हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती है किसी पर टी शर्ट शर्ट वगैरह तो हम वहां पर ये सेंटेंस बोलते हैं ना अभी के अभी इस टी शर्ट को उतार दो तो वहां पर यूज करिएगा टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे मतलब टेक ऑफ का मतलब होता है उतार देना मतलब कपड़े आदि को या फिर जूते उतारने के लिए या फिर मेकअप उतारने के लिए टेक ऑफ का यूज़ किया जाता है ठीक है अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे आज नीली शर्ट पहनो जैसे हम किसी को कहते हैं ना आज नीली शर्ट पहनो या आज तुम नीली शर्ट पहनो पुट ऑन द ब्लू शर्ट टूडे पुट ऑन का यूज किया जाता है कपड़े पहनने के लिए मेकअप पहनने के लिए या फिर जूते पहनने के लिए भी पुट ऑन का यूज करते हैं आज नीली शर्ट पहनो पुट ऑन द ब्लू शर्ट टूडे ऐसे ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस का आंसर दे दी आज लाल शर्ट पहनू अगला सेंटेंस देखिएगा मेरा रूम खच पच हो रखा है यानी कि मेरा रूम अस्त व्यस्त हो रखा है यानी कि खराब हो रखा है गड़बड़ हो रखा है मतलब सामान इधर उधर पड़ा हुआ है तो वहाँ पर बोलते हैं माई रूम इज अप माई रूम इज अप मेरा रूम खच पच हो रखा है माई रूम इज अप यानी बिखरा पड़ा है मुझे इसे ठीक ठाक करने दो लेट मी अरेंज इट लेट मी अरेंज इट मुझे इसे अरेंज करने दो यानी व्यवस्थित करने दो अगला सेंटेंस देखिएगा बेड पर मत कूदो जैसे कि बच्चे कूदते हैं तो उनको बड़े डांटते हैं ना बेड पर मत कूदो तो वहां पर इस सेंटेंस का यूज करिएगा डोंट जंप ऑन द बेड डोंट जम्प ऑन द बेड मतलब बेड के ऊपर मत कूदो टीवी देखना बंद करो स्टॉप वॉचिंग टीवी स्टॉप वॉचिंग टीवी टीवी को देखना बंद करो स्टॉप वॉचिंग टीवी अगला सेंटेंस देखिएगा वह बिगड़ता जा रहा है ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड मीन होता है बिगड़ना यानी कि कोई लड़का हो उसको कहते हैं ना वह बिगड़ता जा रहा है यानी कि उसकी आदतें खराब हो रही हैं तो वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड ही इज गेटिंग स्पॉइल्ड अगला सेंटेंस देखते हैं पूरा मत खाना जैसे कि हम किसी चीज को देते हैं किसी को खाने के लिए और कह देते हैं इसे पूरा मत खाना तो वहाँ पर इस सेंटेंस को बोलेंगे डोंट ईट अप डोंट ईट अप यानी कि इसको पूरा मत फिनिश करना मतलब कुछ छोड़ देना डोंट ईट अप इसको पूरा मत खाना पूरा मत पीना डोंट ड्रिंक इट अप डोंट कि पूरा मत खत्म कर देना पीकर क्या बात है जिसे घर में पूछते हैं ना लोग आपस में क्या बात है वर्ड्स द मैटर वर्ड्स द मैटर यानी वॉट इज द मैटर क्या बात है बोलो कहां जाना है टेल मी वेयर टू गो टेल मी वेयर टू गो मतलब मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है या हमें कहाँ जाना है टेल मी वेयर टू गो यानी कहाँ चलना है नेक्स्ट मुझे कहीं नहीं जाना आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर एनी वेयर मीन्स होता है कहीं भी नहीं मतलब मुझे कहीं भी जाना नहीं है या मुझे कहीं भी जाने की इच्छा नहीं है आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर दीवार पर मत लिखू Do नॉट राइट ऑन द वॉल वॉल means होता है दीवार राइट right means लिखना यानी कि दीवार के ऊपर मत लिखो जैसे बच्चों को घर में डांटते हैं जो पेंसिल वगैरह चला देते हैं दीवार पर तो कहते हैं डोंट राइट ऑन द वॉल दीवार पर मत लिखो या दीवार पर मत लिखना डोंट राइट ऑन द वॉल मेरा प्यारा बच्चा जैसे हम प्यार में बच्चों को कहते हैं मेरा प्यारा बच्चा माई क्यूट बेबी माई क्यूट बेबी मेरा प्यारा बच्चा माय क्यूट बेबी कैसे आना हुआ जैसे गेस्ट वगैरह या फिर कोई मित्र तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलने आ जाए और तुम पूछते हो उनसे कि कैसे आना हुआ तो वहां पर इस सेंटेंस का यूज कीजिएगा वॉट इज ब्रिंग यू हेयर तुम्हें यहाँ क्या चीज लाई है या तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ वर्ट्स ब्रिंग यू हीयर मुझे तुमसे कुछ काम है जैसे कोई कहता है ना मुझे तुमसे कुछ काम है आई हैव समू आई हैव समर्क फॉर यू यानी कि मुझे तुमसे कुछ काम है या तुम्हारे लिए कुछ काम है आई हैव समर यू क्या वह खाना बनाने में अच्छी नहीं है इज शी नॉट गुड ऐट कुकिंग इज शी नॉट गुड ऐट कुकिंग यानि की गुड ऐट का यूज वहाँ करते हैं जैसे कि किसी चीज में अच्छा होना जैसे कि मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ आई एम गुड एट कुकिंग या मैं कार चलाने में अच्छा हूँ आई एम गुड एट ड्राइविंग तो वहाँ पर गुड एट का यूज़ करते हैं ईयर रिंग मेरे बालों में फंस गया है जैसे कोई लड़की हो या फिर कोई महिला हो वो कहती है ना अपने बालों के और ईयर रिंग के लिए कि मेरा ईयर रिंग मेरे बालों में फंस गया है इसको निकाल दो ईयर रिंग्स गोट स्टक इन माई हेयर ईयर रिंग्स गोट स्टक इन माई हेयर यानी कि बालों में मेरा ईयर रिंग्स फंस गया है चुपचाप से कार में बैठो गेट इन द कार क्वाइटली गेट इन द कार क्वाइटली यानी कि चुपचाप से कार के अंदर बैठ जाओ कार में बैठने के लिए या घर में आने के लिए भी गेट इन का यूज करते हैं क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप से अब तुम बच्चे नहीं रहे जैसे हम किसी को बोलते हैं अब तुम बच्चे नहीं रहे बड़े हो गए हो नाओ यू आर नॉट अ चाइल्ड एनीमोर नाओ यू आर नॉट अ चाइल्ड एनीमोर अब तुम बच्चे नहीं रहे तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाते हो यू ऑलवेज मेक मी वेट यू ऑलवेज मेक मी वेट तुम हमेशा ही मुझे इंतजार करवाते हो मुझे इस मामले में मत घसीटो डो नो ड्रैग मी इंटू दिस मैटर डो नो ड्रैग मी इंटू दिस मैटर दरवाजा खोलो ये तो सबको पता ही है ओपन द डोर ओपन द डोर ऐसे ही आप एक सेंटेंस खोलो, दरवाजे को आधा खुला रखो जैसे कि हाफ दरवाजा खुला होता है और हाफ बंद होता है तो वहां पर बोलते हैं ना दरवाजे को आधा खुला रहने दो कीप द डोर हाफ ओपन कीप द डोर हाफ ओपन यानी कि दरवाजे को आधा खुला रखो ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा विंडो को आधा खुला रखो अगला सेंटेंस है दरवाजे को पूरा खुला रखो कीप डोर फुली ओपन फुली ओपन यानी कि पूरा खुला रहना दरवाजे को पूरा खुला रखो कीप द डोर फुली ओपन आप एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में और बनाइएगा खिड़कियों को पूरा खुला रखो नाखून काटने वाला कहाँ गया जैसे आप घर में नेल कटर को ढूंढते रहते हैं तो बोलते रहते हैं नाखून काटने वाला कहां गया या फिर नेल कटर कहां गया तो वहां पर कहेंगे वेयर इज द नेल कटर वो नेल कटर कहीं गया नहीं है वो वही है बट वो कहाँ है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ना कि नाखून काटने वाला कहां गया लेकिन सही मायने में सेंटेंस है नाखून काटने वाला कहां है वेयर इज द नेल कटर वे इज द नेल कटर अगला सेंटेंस है संतरा छील दो या संतरे का छिलका उतार दो संतरे का छिलका उतारने के लिए यूज करते हैं पील ऑफ या फिर आलू का छिलका उतारने के लिए या फिर केले का छिलका उतारने के लिए पील ऑफ द ऑरेंज। पील ऑफ द ऑरेंज। संतरा छील दो उसे मैसेज कर दो मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम या फिर मैसेज हर या टेक्स्ट हर उसे मैसेज कर दो मैसेज हिम अगला सेंटेंस देखेगा टीवी ऑन कर दो या फिर टीवी चालू कर दो स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, या फिर ये भी कह सकते हैं टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी, स्विच ऑन या फिर टर्न ऑन टीवी चलाने के लिए या ऑन करने के लिए, लिए यूज करते हैं टी ऑफ कर दो स्विच ऑफ द टीवी या फिर टर्न ऑफ द टी वी टर्न ऑफ या स्विच ऑफ दोनों ही टी बंद करने के लिए यूज़ किए जाते हैं आवाज़ बढ़ा दो जैसे कहते हैं ना टी आदि के लिए या फिर रेडियो के लिए या फिर गाने वगैरह के लिए आवाज़ बढ़ा दो तो वहाँ पर कहेंगे इंक्रीज़ द वॉल्यूम इंक्रीज द वॉल्यूम या फिर टर्न द वॉल्यूम अप टर्न द वॉल्यूम अप इनक्रीज़ और टर्न अप दोनों ही बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं यानी कि आवाज़ आदि बढ़ाने के लिए आवाज़ कम कर दो इस सेंटेंस को देखो तीन तरह से बना सकती हैं जैसे डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन या फिर लोअर द वॉली आवाज़ कम कर दो आप तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं अगला सेंटेंस देखिएगा टे बी रहने दो या टीवी को खुला रहने दो कीप द टीवी ऑन कीप द टीवी ऑन या फिर कीप द टीवी वी स्विच्ड ऑन कीप द टीवी वी स्विच्ड ऑन यानी कि टीवी को चालू रहने दो वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है यानी कि वह पूरे दिन टीवी देखता रहता है तो वहाँ पर इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं ना वह तो पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है या घुसी रहती है He is engaged on TV throughout the day. ya फिर she is engaged on the TV throughout the day. Throughout yani ki pura din throughout the day पूरे ke पूरे din Engaged yani ki engaged hai TV dekhne mein अपनी आँखें खराब मत करो. देखिए sentence को भी यहाँ पर तीन तरह से कह सकती हैं. Do not spoil your eyes. Spoil means होता है खराब होना. या फिर do not ruin your eyes. स होता है खराब होना या फिर डो नोट डैमेज योर आइज डैमेज मीन्स भी होता है खराब होना तो आप यहां पर तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं अपनी आंखें खराब मत करो डू नोट स्पॉयल योर आइज फैन ऑन कर दो या फिर पंखा चालू कर दो इसके लिए कहेंगे स्विच ऑन द फैन स्विच ऑन द फैन पंखे को चालू कर दो फैन ऑफ कर दो या फैन को बंद कर दो स्विच ऑफ द फैन स्विच ऑफ द फैन पंखे को बंद कर दो पंखा तेज चल रहा है यानी कि स्पीड में तेज़ चलना तो इसके लिए कहेंगे द फैन इज रनिंग फास्ट द फैन इज रनिंग फास्ट पंखा तेज़ चल रहा है यानी कि तेज हवा फेंक रहा है जैसे पंखा चलता हुआ आवाज़ करता है तो वहाँ पर बोलते हैं ना ये आवाज क्यों कर रहा है Why is इज इट मेकिंग noise? Why इज इट मेकिंग अ noise? ये आवाज क्यों कर रहा है इसे ठीक करवा दो यानी कि पंखे को बोल दो या फिर किसी भी चीज को बोल दो इसे ठीक करवा दो तो यहाँ पर कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड गेट इट रिपेयर्ड रिपेयर मीन्स होता है ठीक होना या ठीक करवाना अपना मोबाइल ठीक करवा दो गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड अपना मोबाइल ठीक करवा दोपीड बढ़ा दो इंक्रीज द स्पीड यानी कि जैसे पंखे आदि की स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए, के लिए कहते हैं ना इस्पीड बढ़ा दो इंक्रीज़ द स्पीड अगर घटानी हो तो डिक्रीज द स्पीड मेरी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है तो कहेंगे माई मोबाइल्स स्क्रीन इज ब्रोकन या फिर द स्क्रीन ऑफ माई मोबाइल इज ब्रोकन दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं माई मोबाइल्स स्क्रीन इज ब्रोकन मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है मैं इसे ठीक करवाऊंगा आई विल गेट इट रिपेयर्ड या फिर आई विल गेट इट रिपेयर्ड मैं इसे ठीक करवाऊंगा बिस्तर पर आ जाओ गेट ऑन द बेड गेट ऑन द बेड आपको शुरू में पढ़ा दिया था बिस्तर से नीचे उतर जाओ उसके लिए गेट ऑफ द बेड या गेट आउट द बेड बिस्तर सही कर लो यानी कि बिस्तर या फिर गद्दा आदि सही से लगाने के लिए यूज़ करते हैं ना बिस्तर सही कर लो प्रिपेयर द बेड या फिर मेक द बेड प्रिपेयर द बेड या फिर मेक द बेड दोनों ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं मुझे एक तकिया चाहिए आई नीड अ पिलो पिलो मीन्स होता है तकिया या फिर मुझे एक तकिए की जरूरत है मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता तो आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता क्या मैं फैन चला दूं या क्या मैं पंखा चला दूं जैसे और लोगों से हम पूछ लेते हैं घर में क्या मैं फैन चला दूं डू आई स्विच ऑन द फैन या फिर शेल आई स्विच ऑन द फैन क्या मैं फ़ैन चला सकता हूँ डो आई स्विच ऑन द फैन या क्या मुझे फ़ैन को चलाना चाहिए शैल आई स्विच ऑन द फैन अगला सेंटेंस है मुझे चक्कर आ रहे हैं चक्कर आना उसके लिए गिडी या फिर डिजी आई एम फीलिंग गिडी आई एम फीलिंग गिडी या ये कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी आई एम फीलिंग डिजी डिजी और गिडी दोनों चक्कर आने के लिए यूज़ करते हैं कृपया अपने आप लीजिए जैसे कि कह देते हैं किसी को अपने आप अपनी मदद कर लो अपने आप ले लो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ मतलब अपने आप अपना काम कर लो प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ यानी अपनी मदद अपने आप कर लो अगला सेंटेंस देखिएगा ये सेंटेंस बहुत बोला जाता है घर में कहीं नज़र ना लग जाए इसके लिए कहते हैं टच वुड टच वुड कहीं नज़र न लग जाए टच वुड बहुत दिनों से आपको देखा नहीं जैसे कोई इंसान किसी को बहुत दिनों बाद दिखाई दे या मिले तो वहाँ पर कहते हैं ना बहुत दिनों से आपको देखा नहीं या लंबे अरसे से आप दिखाई नहीं दिए लॉन्ग टाइम नो सी लॉन्ग टाइम नो सी जैसे आपकी मर्जी एज यू विश या फिर एज यू प्लीज़ जैसी आपकी मर्जी या फिर जैसी आपकी इच्छा कृपया स्थिर रहें प्लीज़ स्टैंड स्टिल प्लीज़ स्टैंड स्टिल यानी कि कृपया सीधे खड़े रहें या इसी जगह पर खड़े रहें देख के या फिर संभल के आउट वॉच आउट देख के या संभल के आउट दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा Thanks for watching.